Uh, एक दो दिन पहले जॉर्डन के अंदर यूएस की एक बेस के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ और उस ड्रोन अटैक के नतीजे में तीन अमेरिकन फोर्सेस आ, के जो पर्सनल थे उसमें मारे गए और इसके अलावा करीब बीस के करीब या उससे ज़्यादा जो है इंजर्ड हुए थे तो उस को क्या है कहा यह जा रहा है कि वो जो ड्रोन था वो बेसिकली इनियन ड्रोन था लेकिन उसको ईरान के अलावा जो है जो इराक और सीरिया के अंदर जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो ईरान के साथ रिलेटेड हैं उन उनका ड्रोन था ये तो इस स्टोरी के अंदर दो तीन पॉइंट से एक तो पॉइंट ये था कि, आ, कि वो जो ड्रोन अटैक था कि वो कैसे जो है ना अमेरिकन बेस के अंदर आ गया तो उस पर ये जो अमेरिका का रिस्पांस ये है कि आ, हमारे जो 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 स्टाफ था वो वो समझा था कि ये अमेरिका का ही ड्रोन था जो वापस उस वक्त था और हम समझे कि ये हमारे ड्रोन है लेकिन वो हमारा नहीं था इसलिए हमने जो है ना उसको मारा नहीं आई मीन मार के नहीं गिराया पहले से और दूसरी जहाँ से जो है कि वो ईरान बेसिकली कह रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था और आ, जो बेसिकली ये जो, जो जो अभी सूरत हाल हो रही है इसको डिफ्यूज़ करने के लिए जो है ना हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए अमेरिका के अंदर इस साल इलेक्शंस हो रहे हैं तो बाइडेन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है आ, हर तरीके का प्रेशर है एक प्रेशर तो ये कि आप जो हैं इस, इस जंगों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरा प्रेसर ये कि भाई अब आपके फोर्सेस के पे अटैक हुआ है आप इसके जवाब कैसे देंगे तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इल, इलेक्शन साल को देखते हुए उस, आ, उसकी गवर्नमेंट आई I मीन mean, बाइडन की गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ऐसे ऐसी चीज़ है कि कॉम्प्लिकेटेड है और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जो ये जो जंग है जो, जो अभी इस मिडलीस्ट में, में सात अक्टूबर के बाद से डिफरेंट महाज़ों पे चल रही है वो कहीं से और ज़्यादा एक्सपैंड ना हो जाए ईरान ने पिछले कुछ दिनों में इराक के अंदर सीरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अटैक किए और वो उन वो जो अटैक्स थे उसका पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स भी हुआ लेकिन हमें ये जो सिचुएशन है बेसिकली ये मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो उस तरह से Uh, समझनी है कि बेसिकली ये चीज़ें क्यों हो रही हैं लाइक आपस में मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर पड़ोस की कंट्रीज़ के अंदर आ, इस तरह के मसाइल क्यों हो रहे हैं उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि यूएस जो है उसने बेसिकली इस एरिया के अंदर अपनी हजमिनी को बेसिकली बढ़ाने के लिए जो बेसिकली आप कह लें कि स्ट्रेटी अपनाई है ये उस स्ट्रेटजी का अंदर है देखिए एक एक वक्त ऐसा था कि ान के अंदर जब आ, जो ये भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट नहीं है उससे पहले जब शाह की गवर्नमेंट थी तो ईरान यूएस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था उस जमाने में रान के पाकिस्तान के साथ भी और उस जमाने में रान के इराक के साथ भी ताल्लुक अच्छे थे लेकिन जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से ये ताल्लुक चेंज हो गए तब ये ताल्लक़ात चेंज हो गए तो उस वक्त तो जो गवर्नमेंट आई थी ईरान के अंदर वो रियली एंटी अमेरिकन इंटरेस्ट थी या आप कहने वेस्टर्न इंटरेस्ट थी तो नेचुरली उनका जो लिंक था वो रशिया के साथ बन रहा था रशिया उस जमाने में सेवेंटीज़ के अंदर एटीज़ के अंदर वो वाद कंट्री थी जो यू एस को एक तरह से चैलेंज कर सकती थी ये जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जो सिचुएशन बनी थी तो अमेरिका को ये लगा कि अब क्योंकि जो ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली रशिया को सपोर्ट करेगी एंटी अमेरिकन है और उनके बीच में जो रास्ता निकलता है वो अफगानिस्तान के साथ का रास्ता है अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी रशिया आ चुका था तो रशिया को ईरान तक पहुंचने से रोकने के लिए और बेसिकली वहाँ के बाद कि जो सिचुएशन ये होनी थी कि अगर ईरान तक रशिया क्लोज हो जाते और इन लोगों के आपस में लिंक् ज़्यादा स्ट्रॉग हो जाते ये एक एक बड़ा सा ब्लॉक बन जाता उसके उसकी वजह से जो इस रीजन के अंदर जो बाकी कंट्रीज थी जो अमेरिकन पपिट्स थी उनके साथ क्या होगा तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने देखा कि इराक को इराक के अंदर जब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको कहा उसके थ्रू इराक और ईरान की जंग करवाई फिर पाकिस्तान और सऊदीया और अमेरिका ने मिलके जो है अफगानिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन किया जिसकी वजह से सोवियत यूनियन यहाँ से गया तो जो मेन मेन इश्यू यही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं इस एरिया के अंदर जो यूएस को या तो सपोर्ट करनी है या यूएस के ख़िलाफ़ है अब यूएस को सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से इस पूरे एरिया के अंदर उस पे पूरे एरिए क्योंकि देखें रशिया तो खैर इसी ए, इलाके का है लाइक आई मीन रशिया हमारा बेसिकली हमारे लाइक नेबर में ही ज़्यादा दूर नहीं है यूएस बहुत दूर से यहाँ आता है और वो इसीलिए आता है कि उसको अपनी जो सुपर पावर आ, का जो स्टेटस है वो मेनटेन करना है और उसको जो चैलेंजेस हैं अब अब चाइना से भी उसको चैलेंज है रशिया से तो ऑलरेडी उसको चैलेंज है तो उसको किसी तरह से रोका जाए उस वजह से यू एस की इन्वामेंट मिडिल ईस्ट के अंदर है उसी वजह से जो है हमारे ताल्लुक़ पाकिस्तान के तल्ल जो हमारे एरिया के अंदर आ, जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो तल्लते हैं उसकी वजह मेन ये है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अरसे से जो है अमेरिकन पॉलिसीज़ को इस रीजन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है आई I मीन mean, अमेरिका का साथ दिया अमेरिकन अमेरिका है उस वजह से जो बाकी जो कंट्रीज हैं वो उस तरह से यू एस की एलाइज हैं नहीं और इसी वजह से उनको लगता है कि पाकिस्तान के साथ उनके तालुक इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे जिसको ईरान ने टारगेट किया यहाँ पर जंदला ग्रुप था उसके बाद उन्होंने कहा ये आ, आ, जेशुल अदल है आ, तो जेशुल अदल जो है इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है इसको सपोर्ट ज़ाहिर है वो अनासर करेंगे जो ईरान के अंदर डिस्टेबिलिटी चाहते हैं जो चाहते हैं कि ईरान की जो ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है ये चेंज हो जाए वापस से प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है तो उनको ये लगा कि ये जो बेस थी पाकिस्तान के अंदर ये जो बेस थी इराक के अंदर ये जो बेस थी सी ईरान सीरिया के अंदर इधर अमेरिकन और जोश इन्फ्लुंस है ये कुर्ज़ को सपोर्ट कर करनी है हमारे ख़िलाफ़ और ये बाकी जो आ, इवन जो इनका एरिया है बलोचिस्तान का जिसको कह रहे हैं इधर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ये वही ग्रुप्स हैं जो बेसिकली चाहती हैं कि ईरान के अंदर इतनी डिस्टेबिलिटी हो जाए कि जो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए और फिर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आए जो बेसिकली रशिया को कंटेन करने में उनको और आसानी हो बेसिकली ये ये मेन चीज़ है अब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ग्रुप्स ईरान के अंदर काम कर रहे हैं नेचुरली उसमें इंडिया के, के, एक आ, आप कह लें एलिमेंट है आ, क्योंकि इंडिया की जो एक वाद नेवल बेस है जो इंडिया के से बाहर है वो है ईरान के अंदर और वो बिल्कुल उस चार बार के जो एरिया है वो उसी के अंदर आते तो आ, ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि तो फॉरेन इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से इवन प्रोस के मुल्क भी आपस में लड़ रहे हैं और आ, यही वजह है कि जो कुर्द हैं जो चाहे वो तुर्की के अंदर हों या इराक़ के अंदर हों या सीरिया के अंदर हों ईरान के अंदर हों ये सब की जो माइनॉरिटी बनी हुई है इन कंट्रीज़ के अंदर कुर्द से इन सब कंट्रीज़ को प्रॉब्लम क्योंकि कुर्द चाहते हैं कि उनका एक अपना एक कंट्री हो और उनको एक्सपॉय किया करते हैं आई मीन यू एस इंटरेस्ट एक्सपोर्ट करेंगे आपको इसराइली इंटरेस्ट एक्सपॉर्ट करेंगे तो यही बेसिकली uh, आप कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स uh, हो जाता है सिटेशन और हमें बेसिकली इन इन चीज़ों को मद्दनज़र रखते हुए एक्शन्स लेना पड़ते हैं कि हम किसी के साथ तो ज्यादती नहीं कर रहे हैं यू नो लाइक आई मीन रियली अगर हम सिर्फ इसी बात पे करें कि उसने हमारे साथ ये किया और हम एकदम से प्रोवोक होके ऐसी कोई हरकत करें जिस पे बाद में हमें जो है ना अफसोस करना पड़े हमें बेसिकली ये देखना है कि हम हम प्रॉब्लम की वजह तो नहीं है या हमारी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही और इसकी इसको रिज़ोल्व करें आ, जिस तरह से इसको रिजॉल्व होना चाहिए लेकिन क्योंकि हमारे आ, जो लीडरशिप है बहुत सारी कंट्रीज़ की इससे पाकिस्तान की नहीं बात कर रहे हैं अब चाहे वो इराक़ की हो या मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी कंट्रीज़ की हो ये सब कॉम्प्रोमाइज कंट्रीज लीडरशिप है और ये लीडरशिप बेसिकली अपने मुल्क के मफाद के लिए काम नहीं कर रही है ये लीडरशिप यू एस के मफाद के लिए काम कर रही है फॉर द फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर और उसकी वजह से जो आ, ये खिचड़ी पकी हुई है बेसिकली है और हमें बेसिकली इस चीज़ को समझना है और इसको रिजॉल्व करना है इंटरनली भी और अननेसरी uh, किसी झगड़े uh, में जो है ना इतना आगे नहीं निकलना है कि पीछे आने के लिए रास्ता हमारे बंद हो जाए